गाइस, आज आप सबको एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट देने जा रहा हूँ। भारत में बंद होने जा रहा व्हाट्सएप, ये खबर आप हल्के में मत लीजिएगा और इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है ये जो व्हाट्सएप है आप देख रहे हैं, जो आप लोगों का यूज़ करने का एक वो बन चुका है कि इसके बिना काम नहीं होता, इसके बिना मीटिंग नहीं होती, इसके बिना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं, इसके बिना डॉक्यूमेंट शेयर नहीं होता, इसके बिना जो भी मतलब डेली के ऑफिशियल काम है या वैसे भी जिसकी बात करनी है या जो भी वीडियो कॉल करना है, ऑडियो कॉल करना है, तो वो सब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में 50+ करोड़ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में एक्टिव यूज़र हैं व्हाट्सएप के। और ये कार्रवाई क्यों होने जा रही है, जो कोई आपको ध्यान देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप के जो भी मैसेजिंग होता है और जो भी आप चैटिंग करते हैं, उसके लिए इंडिया में गवर्नमेंट्स कह रही है कि आप क्या कहते हैं, कोई भी डेटा इन टू इंड नहीं रखेंगे, मतलब आप अपने पास सिक्योर नहीं रखेंगे, मतलब यूजर टू व्हाट्सएप नहीं रहेगा, यहाँ तक कि कंपनी के पास भी नहीं रहेगा, यूजर टू यूज़र रहेगा, जिससे बात होगी और जिससे जिसके जिसके द्वारा बात होगी, यूज सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहेगी, और यहाँ तक कि व्हाट्सएप खुद नहीं रखेगा उसका डेटा। लेकिन गवर्नमेंट कह रही कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि हमको किसी जानकारी लेनी है, हमको कोई क्राइम या इस तरह की जानकारी के लिए, वो बार बार प्रेशर कर रही है कि आपको डेटा हाइड नहीं कर सकते, आपको डेटा की जानकारी हमें देनी पड़ेगी और डेटा हम सिक्योर नहीं रख सकते। इसलिए व्हाट्सएप क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर किया है, उस पर मामला चल रहा है। इसके पहले और भी देशों में जैसे ब्राज़ील जैसे कई देशों में ये मामला हो चुका है, उन्होंने कहा था बंद कर देंगे लेकिन अभी तक बंद नहीं किया। लेकिन इंडिया में क्या हो सकता है ये आप कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी जो मामला है वो कोर्ट में है, और अगर ये आपके हिसाब से क्या रहेगा, आपका ओपिनियन क्या है कि यूजर टू यूज़र रहे या गवर्नमेंट इस तरह से आपके डेटा को यूज़ करे, आप कमेंट करिएगा। और आपको खबर कैसी लगी ये बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।